बंसल हांसी के आवाज से बीती रात नारनौन के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है और कुछ युवकों ने एक युवक के ऊपर हमला करके उसकी हत्या कर दी है। तो आइए जानते हैं कि वहाँ नारनौन के आईओ, क्या नाम आपका जी? नरेंद्र सिंह जी। जी, तो ये क्या मामला है और कैसे हुआ और कब हुआ और कहाँ हुआ ये? कल रात्रि नारनौन करीब 7:30-8 बजे दो पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के 4-5 लड़कों को चोटें लगी हैं, जिसमें रम कुमार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है चोटें लगने से, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया है और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। नहीं, राम कुमार की चोट मारने वालों के खिलाफ क्या मामला? मुकदमा दर्ज कर दिया 302 का। 302 का कितने नामजद किए हैं इसमें? नामजद है 15-16 नामजद हैं, बाकी अन्य। राम कुमार के कितनी उम्र बताया? करीब 40 साल। इनकी कोई रंजिश है क्या? नहीं, रंजिश तो नहीं, आपसी परिवारों को छोटे मोटे को कहा सुनी हुई है पहले भी। नहीं, छोटे मोटे परिवार में इतनी बड़ी कांड हो जाना? नहीं, दोनों पक्षों का झगड़ा हो गया था इसमें, पहले भी इनकी कहा सुनी हुई थी, राजनामा कंप्रोमाइज हो गया था इनका आपस में। तो कितने बजे का हादसा है ये? ये करीब 7:30 PM का। यानी कि 15 के खिलाफ आपने 302 का? हाँ, 15-16 नामजद हैं, 7-8 के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। किन धाराओं के तहत? ये 302 का लगा है, बाकी और है 323, 506 IPC का। ये शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा बड़े बच्चेदार है। अच्छा, किसके बयान पे मामला दर्ज? ये मृतक राम कुमार के भाई राम मेर के बयान पर पर्चा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो इनमें से कोई राउंड अप भी किया है क्या? नहीं, कार्रवाई लग रही है, टीमें गठित कर रखी है, जारी हुई है। यानी कि शव को हॉस्पिटल में ला दिया है और मामले की छानबीन कर रही है और 302 का मामला कईयों के खिलाफ दर्ज किया है। देखते रहिए एक रिपोर्ट।